सो हेलो एवरीवन, चलो अटैक स्टार्ट करते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगी एक अर्थक्वेक इस वाली टाइल पर, और उसके ही ऊपर वाले टाइल पर आपको दो लाइटनिंग यूज़ करनी है। ठीक है, दो डिफेंसेस अपनी यहाँ से आ गई और एक लाइटनिंग लेनी है अपनी पॉइजन टावर पर। ठीक है, तो यहाँ पर एचपी आधी हो गई है। फिर आपको रॉयल चैंपियन लेनी है अपनी वाली। ठीक है, और छोड़ दो वहाँ पर और एबिलिटी यूज़ कर दो। ये होगी अपनी चारों डिफेंसेस गई। ठीक है, अब इन्फर्नो पे जैसी अपनी रॉयल चैंपियन आएगी वहाँ पे आपको एक स्केलेटन स्पेल गिरनी पड़ेगी डिस्ट्रक्शन के लिए एनिमी रॉयल चैंपियन के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ गिर दी, फिर जैसे कि एनिमी रॉयल चैंपियन आगे आएगी तो आपको तीनों हेड एंटर छोड़ने अपने। ठीक है, ताकि वो उसको डाउन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर होने वाला है। ये हो गई अपनी एनिमी रॉयल चैंपियन डाउन। ठीक है, अब जो अपनी रॉयल चैंपियन चलेगी जब तक एयर डिफेंस डाउन नहीं हो जाता। ठीक है, अपना मेन मकसद है वो एयर डिफेंस डाउन हो जाए, फिर आपको मेन अटैक स्टार्ट करना है। यहाँ पर हो गया ये वाला, देखो। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके दो लेफ्ट में दो ऊपर अपने बलून छोड़ने हैं। ठीक है, और बीच में सारे ड्रैगन तीनों बलून, और जो रॉकेट बलून है वो राइट मोस्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, तीनों के तीनों रेज गिर जाएगी। फ्रीज अपने मतलब से यूज़ करना, और गिरनी चाहिए सिर्फ, देखो दोनों स्कैटर पे गिरना। टाउन हॉल पे भी मैंने यहाँ गिरी नहीं क्योंकि यूज़ नहीं रहा, तो आप यहाँ पे दोनों स्कैटर पे यूज़ कर सकते हो जितनी चाहें, और सिंगल इन्फर्नो टावर पर ऐसे अटैक होता रहेगा। और धीरे धीरे देखो, बिल्कुल ईजी था, कर दो, कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको लावा पफ दिक्कत देंगे, पर उसके लिए डरो मत, कर देंगे। एक दो बार में आप भी कर दोगे। ठीक है, ये सिंगल टाइम मैंने यूज़ करा था तो इजी हो गया था, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक करो, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।